फोटो फोटो स्पॉट भी दिखा दे सर। नहीं नहीं मेरे काली हिस्ट्री बोलो। हाँ ठीक है मैं रिकॉर्ड करता हूँ। क्या ये आदिल शाह का है ये? हाँ सर। कब बनाए सर ये? वो बताते हो पॉइंट है सर। अच्छा अच्छा बोलो। मैं स्टार्ट करता हूँ सर। कहाँ से बोले सर? क्या बोले? कहाँ से आप? हैदराबाद। हैदराबाद आपको वेलकम टू विजयपुर सर। ओके। जो पहला नाम था बीजापुर था, अब इसको नाम चेंज किया विजयपुर किया सर। अभी है ना गुलबर्ग सर, कलबुर्गी किया सर। हाँ कलबुर्गी। अभी देखो आगरा में ताजमहल है ना सर, बीजापुर में गोल गुंबज है सर। अच्छा। जैसा ताजमहल तो ये लव स्टोरी है ना सर, आदिल शाह खुद के लिए बनाते सर। उनका भी लव स्टोरी है? हाँ नहीं खुद के लिए। खुद के लिए पहला बनाते, मकबरा नहीं बनाते। मकबरा से पहला बिल्डिंग बनाते, बाद में कब्र बनाते। हिंदी में क्या बोलते देखो, ताजमहल दिल से बने ना सर, ये दिमाग से बने। अच्छा अच्छा। गोल गुंबज है ना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम सर। वर्ल्ड का फर्स्ट कौन सा है? रोम से ना सर। रोम इटली बोलते हैं। इटली उसको इंग्लिश में हम ये बोलते हैं आउट ऑफ कंट्री, ये बोलते हैं ना सेंट पीटर चर्च, उसको बोलते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट डोम, वर्ल्ड का सेकेंड डोम। और बीजापुर में नाइन किंग्स रूल किया सर। नाइन किंग्स रूल कैसा? जो मुगल में है ना, मुगल में मतलब सॉरी बीजापुर में नाइन किंग्स रूल किया सर। गोल गुंबद जो बनाया ना सर, सेवन नंबर ने बनाया, सेवन नंबर ने बनाया, वो सेवंथ किंग आदिल शाह बोलते हैं ना। आदिल शाह ने बोलने का इसमें दो आते हैं सर, आदिल अलग शाही अलग। आदिल अलग है शाही अलग है सर, उसका मतलब है सर। आदिल बोलते क्या बोलते, इंग्लिश में जस्टिस बोलते सर। शाही बोलते किंग, उसको बोलते ना आदिल शाही डायनेस्टी। इनका नाम आदिल शाह नहीं है सर, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर में टोटल नाइन किंग्स है। गोल गुंबद जो बना है सेवन नंबर ने बनाए, सेवन नंबर। इनको ये बोलते हैं ना सर बहमनी सुल्तान, बहमनी, वो भी बहमनी ये था एक डायनेस्टी। अच्छा। पहले किधर चला? कलबुर्गी। ओके ओके। ये ना हम्पी, कैसा हम्पी रेडी हो ना, हम्पी विजयनगर, विजयनगर रेडी हो ना सर हम्पी 1336 में। अच्छा अच्छा। जो बहमनी स्थाप किया अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह, इन्होंने स्थाप किया किधर चले? कलबुर्गी। कब स्थाप किया तो बहमनी डायनेस्टी 1347 सर। अच्छा। 1347 से 1426 में चला किधर? कलबुर्गी। इसको भी देना बिदर, क्यों आदिल शाह लोग आए ना सर, आदिल शाह ईरान से है सर। अच्छा अच्छा। अभी है ना मुगल, मुगल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। मगर पहले बादशाह थे यूसुफ आदिल शाह थे, पहले इधर में बिदर में है, वहाँ इन्होंने ना मोहम्मद गवन, वहाँ यूसुफ आदिल शाह गवर्नर बने, राजा ने गवर्नर, गवर्नर के बाद राजा बने। एक आदिल शाह नहीं बने, पांच आदिल शाह बने ना, उससे मुस्लिम हो गए सर। फर्स्ट बना बिदर का बरिशाही, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बिदार इमद शाही। इनको क्या बोलते? बहुमनी सुल्तान। अभी हिंदू मुस्लिम को नहीं जमता ना सर। अभी क्या किया? हम्पी पे अटैक किया ना, ये हम्पी पे अटैक किया। कौन ये? बहुमनी सुल्तान। कब बता दो वो? ये ना हम्पी का राजा कृष्ण देवराया, रामराया, ये पांचों से हम्पी पे अटैक किया सर। अच्छा। झगड़ा होगा ना, झगड़े को डायनेस्टी खत्म किया विजयनगर को। कब खत्म किया? 1565 में है ना सर। और यूसुफ आदिल शाह आके क्या करता है, बीजापुर में आके अपना डायनेस्टी स्टार्ट करता है। वो जो आपको डीसी ऑफिस बोलते हैं बीजापुर में, कलेक्टर ऑफिस, वो पहला आदिल शाह का पैलेस था, रहते थे उधर सर। ये उनका पैलेस नहीं है, ये कब्र है। कैसा? जो औरंगाबाद है, बीबी का मकबरा, ये सब कब्रस्तान है अंदर। अब उसको गवर्नमेंट ने बना ऑफिस बनाया। बीजापुर में जो पहला बादशाह जो आया ना सर, यूसुफ आदिल शाह है। जो लास्ट वाला कौन था सर? सिकंदर आदिल शाह। बट उसके टाइम में इधर बीजापुर में कौन आते? नॉर्थ इंडिया से आते ना औरंगजेब, मुगल। आदिल शाह को हराया ना सर, औरंगजेब ने हराया। अच्छा। औरंगजेब भी तीन साल रूल किए इधर। क्या मुगल्स भी लड़ लिए इनको? मुगल इनको हराए, आदिल शाह को हराया। तो ये बहमनी है ये? हाँ ये बहमनी सुल्तान को बताता हूँ। अच्छा। औरंगजेब तीन साल रूल किए इधर। तो डिफरेंस क्या है मुगल्स और बहमनी में? बताता हूँ। उनके बाद रूल किया हैदराबाद निज़ाम रूल किया सर। उनके बाद निजाम इधर भी आया? हाँ इधर भी आया निजाम। हाँ सर बाद में इन्होंने पेशवे बालाजी मराठे किंग, उन्होंने बाद में ब्रिटिश लोग आए। इनको 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 किसने खत्म किया? औरंगजेब ने खत्म किया सर। कब किया? बात करते हैं सर, ठीक है। 1686 में इनको आदिल शाह को हराया ना, मतलब नाइन किंग्स बोलते हैं। 200 साल रूल किया सर। अच्छा रूल। अब इसका स्टार्ट करता हूँ। ये गोल गुंबद को बोलते हैं ना बनाने के लिए सर 30 साल लगे सर। 30 साल कंस्ट्रक्शन, 30 ईयर्स सर। 30 ईयर्स बोलते हैं ताजमहल। ताजमहल के बाद ये बने सर। अच्छा। फर्स्ट बने ताजमहल सर। ताजमहल को बोलते हैं ना बनाने के लिए 22 साल लगे सर। ताजमहल 22 ईयर्स। तो शाहजहां जब तक जिंदा था कौन सा ताजमहल बने?
उन्हें जिंदा अजय भी बनाया। हाँ सर, जिंदा मुमताज बनने के बाद शुरू किया ना बनाने के लिए, मतलब ताजमहल बिल्डिंग के बाद बोल रहा हूँ मैं आपको। ताजमहल जो बना 1653 में बना ना सर, ताजमहल ये 1626 में स्टार्ट किया ये काम। अच्छा, 1656 में कम्प्लीट है उसको, उसको 3 साल का डिफरेंट है ना। ताजमहल 1653 ये 1656 है। और एक सेकंड सर, दो मिनट सर, हाइट बता दो सर। ठीक है, 220 फीट हाइट है सर। 220 फीट हाइट ताजमहल। स्मॉल डोम ना सर, ये बिग डोम। अच्छा, अभी जो मुगल है ना, मुगल को इनको दुश्मनी है सर। अच्छा, दो मुस्लिम आता ना आपको तो पता है, शिया सुन्नी। शिया सुन्नी ये शिया है। अच्छा, मैं आप पूछ रहे थे ना उसका, ये आदिल शाह लोग शिया है। अच्छा, सुन्नी को ना शाहजहान, शाहजहान सुन्नी है। बट आदिल शाह को हरा शाहजहान का बेटा हरा है ना, औरंगजेब है ना, औरंगजेब फादर शाहजहान है, इनको हरा औरंगजेब। अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल देखो, पहला शुरू किया ना बाबर, बाबर बाद में औरंगजेब है सर। एग्जाम्पल देखो, अभी डोम दिखता है, डोम के अंदर आपको हौरक स्टाइल दिखता है ना सर, हौरक स्टाइल में दिखता है। अभी तुम एग्जाम्पल में तो अभी तुम बारिश आने में ये पकड़ते ना अम्ब्रेला, उसका जो शेप कैसा अम्ब्रेला है ना, छतरी छतरी। अभी तुम अंदर जाके ऊपर देखते ना, शेप छतरी दिखता है। अच्छा, उधर का जो मॉडल छतरी को ऊपर काटी रहता ना, उसको भी ना ऊपर काटी। बराबर। और ये मस्जिद है, ये दिख रहा है सर, कोई भी राजा होता ना सर, ये देखो कहाँ ये बनाता ना, कब्र, कब्र के बाजू मस्जिद बनाता ना सर। क्यों बोलो, ये तो हर जगह होता है, क्यों मरने से पहले नमाज पढ़ते हैं पहले, अभी बन गया ऊपर से जुम्मा मस्जिद करता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो तो सेवन वंडर तो आता है ना। अभी मक्का किस तरफ है, इधर आता है, इधर आता है, ये काम करेंगे। वो डोम दिखता है ना बिग डोम, छतरी, वो छतरी को देखते देखते चलेंगे सर। चल चल, स्लो मोशन सर, बड़ा छतरी उसको। ठीक है, देखो सर आप आगे जाते हैं ना, डोम पीछे जाता है। हाँ बराबर, ये बिल्डिंग हाइट बढ़ता है। बट आपको फील क्या होता है बोलो, फील सनसेट जो सूर्य डूब रहा है वैसा फील होगा। देखो खाली देखते जाओ, हो गया डूब गया सर, इधर समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा। इधर सर, इसको ये बोलते हैं ना सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फर्स्ट आर्च सेकंड ना, दोनों सेम दिखता है ना सर, आर्च आर्च आर्च, ब्लैक का दिखता ब्लैक, ये दोनों से ऊपर है सर, बड़ा है ना सर। अगर आप फील करेंगे तीनों सेम दिखता है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे ना, बिल्डिंग पीछे जाता है, ये दोनों छोटा था बिल्डिंग ओपन हो जाता है सर। सर ठीक हो सर, आप निकल लेंगे। कितना हिट है ना बिल्डिंग सर, अभी तो धूप नहीं, फिर भी बताता सर, बाहर धूप रहता ना मतलब नेचुरल, बाहर कितना गर्म होता है, गर्म अंदर तो ठंड रहता है। दीवार दिखता है सर, इसको ये बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस 10 फीट है सर, दीवार का थिकनेस 10 फीट है सर, अंदर अंदर से सर 10 फीट उतना दिखा था अंदर सर। अच्छा, दीवार में ज़्यादा वर्क होता है ना सर, स्टोन ज़्यादा वर्क होता है सर, बड़े बड़े पत्थर डालते हैं। डोम दिखता है सर, डोम में क्या यूज होता है आपको तो पता है ना सर, ब्रिक्स, बोलो ईट, ज़्यादा डोम में होता है ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स है ना ताजमहल, हमारा ब्रिक्स कैसा होता है सर, मोटा होता है ना सर, उनका मोटा नहीं होता सर, स्मूथ लंबा ज़्यादा, ये कहते हैं बिस्किट। पहले का ब्रिक्स आपको दिखाता हूँ, अभी वो डोम दिखता है ना सर, वो पूरा पैक है। अच्छा, ये डोम पैक नहीं है, इसका सर का मैं बोला अम्ब्रेला, छतरी छतरी, क्योंकि नीचे से मिट्टी ज़्यादा लेना पड़ता है, मिट्टी और उसको कम करना पड़ता है, मतलब वेट कम करना पड़ता है। इसका कितना दीवार का 10 फीट है, बाहर से कितना फ्लोर है, 7 फ्लोर है सर, 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा, और लिफ्ट सीढ़ी चलना पड़ता है सर, 109 स्टेप्स है सर। आप ऊपर जाते हैं ना, ऊपर पूरा बीजापुर दिखता है।
बीजापुर में कितना डोम बना, डोम सब ऊपर दिखते हैं सर। अच्छा, कि इनके पीरियड में कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग नहीं कुछ भी नहीं, ऊपर का तो खाली बीजापुर दिखते हैं सर आपको। बोला हैदराबाद चार मीनार, चार है ना मीनार, इसको भी मीनार चार है, इसके पीछे दो है अभी, दो बंद है सर, ज्यादा पब्लिक है तो बंद कर दे, नहीं तो नहीं सर। कितना बड़ा आर्च है ना सर, वो कितना छोटा छोटा खिड़की दिख रहा सर, वो भी आर्किटेक्चर नहीं। अच्छा, वो सामने का दिखता ग्रिल, वो सरकार ने लगाई, गवर्नमेंट जेल सर, वो ये वेंटिलेशन सिस्टम नो इसी नो सर, वो जो सभी जगह है ऐसा खिड़की है, वो क्या बोलते क्रॉस वेंटिलेशन, सभी हुआ अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड से ऊपर आता है सर। अच्छा सर, वो आपको दिखा, तो जैसा तुम अंदर एंट्री होता ना सर, एकदम बिल्डिंग कोल्ड होता है। यहाँ कैसा खिड़की है ना सर, अंदर भी खिड़की है स्टोन का, अंदर जाता है उस पर सब पैर रखने का हवा आता है सर। से ऊपर देखे तो डोम गैलरी दोनों आपको जॉइंट लगता ना सर, जॉइंट पर जॉइंट नहीं, ये राउंड से दिखता राउंड है, ये डोम नहीं सर, ये विस्परिंग गैलरी है, जो ये होता है ना एको सर, उसको ऊपर का दिखता ना डोम पूरा आपको, छतरी छतरी, यहाँ से आप हेलो बोलते ना, हेलो सामने दीवार में आवाज आता है सर, ऊपर आपको बताता है, अभी नीचे को तो सर आपको नीचे खिड़की बताता वो हवा यहाँ से। अच्छा, यहाँ से हवा वेंटिलेशन फील कर सर, वो कैसे इतना कोल्ड लग रहा है, ये हवा ये कितना डिफरेंट है सर, इधर ऐसा कैसा आ रहा है ये बोला खिड़की है सर। हाँ हाँ, एक मिनट उधर भी सब जगह 3 मिनट, और उसके नीचे कितना फीट बताओ सर, जाके 16 फुट अभी नीचे 16 फुट, वो कवर दिखता ना सर, डुप्लीकेट है सर, डुप्लीकेट है ये नीचे ऑल इंडिया ऐसे है ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर डेमियर का असली नीचे नीचे औरंगाबाद ताजमहल सब नीचे है, नीचे ऊपर मैंने टूरिस्ट को दिखा निकले, असली कबर नीचे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, औरंगाबाद में एक कबर है ना सर, ताजमहल में 2 कबर, इधर 6 कबर है, 6 कबर के अंदर 2 टाइप का कबर आता है ना सर, डोम शेप आता है, डोम डोम आता ना सर, वो आदमी का जो प्लाट आता है प्लाट है, वो लेडीज का। अच्छा, इसमें 4 लेडीज है 2 जेंट्स है सर, वो दिखा है ना सर, तो बीच का आदिल शाह का मोहम्मद आदिल शाह है ना सर, अभी आप ये सुनिए इब्राहिम रोजा उनके पिताजी ने बनाया, उनका पिताजी का उधर है इब्राहिम रोजा, तो ग्रैंड सन एक डॉक्टर ग्रैंड डॉटर, 2 फ्लैट है ना सर, 2 मिसेस, असली कबर एग्जैक्ट उसके नीचे बना है, फोटो दिखा पाते 8 पिलर इधर इधर है ना सर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्चुअली पिलर 4 ही है, 4 के अंदर 8 किया है ऐसे किए, इधर देखो मेरे को ऐसे किया, इसको ये बोलते हैं इंटरलॉक, इंटरलॉक सर, बादशाह लोग क्या किया ये जो आर्च है ना ऐसे इधर ऐसा नहीं किया ऐसे किया। अच्छा, ये देखो सर ये दिख रहा आर्च वहाँ जाके जॉइंट किया, ये देखो ये जाके इधर जॉइंट किया। अच्छा, इंटरलॉक ऐसे इधर जॉइंट किया सर, इंटरलॉक किया, इसके अंदर स्टील है, आयरन है, स्टोन है, स्टोन है, स्टोन स्टोन का प्लास्टर है, डोम दिखता है, डोम डोम में क्या लगता है आपको बोला, ब्रिक्स ब्रिक्स है, डोम का अभी एग्जांपल दो, ईंट बोलते ना, ईंट का वेट कम रहता है ना, उसका वजन कम रहता है, इसका राउंड शेप अच्छा बनता है ना, वो सब ब्रिक्स है।